अशोक अपनी माँ से कह दे गिलास दूध दे दे, मुझे देर हो रही है। मैं पप्पा हूँ, माँ भगवान की पूजा कर रही है, अगर मैं बीच में बोलूँ भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। ना जाने तुम्हारी माँ तुम्हें क्या क्या सिखा देती है। ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसी बातों से बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। अच्छा बाबा मान लिया गलती होगी, बस तू जल्दी से गिलास दूध ले। क्यों नाश्ता नहीं करेंगे? नाश्ते को मारो गोली, मुझे देर हो रही है, जा दूध ले। अच्छा बापू, अब तो मेरी माँ से हर बात में हार मान लेते। हाँ बेटे, मुझे तुम्हारी माँ से बहुत डर लगता है। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो आपसे भी नहीं डरता हूँ। सुन लिया आपने, ये आप ही की विद्या है जो ये बहुत तेजी के साथ पढ़ रहा है। मेरी मानिए, आप इसे किसी भी स्कूल में दाखिल करा दीजिए। नहीं लक्ष्मी, मैं इसे किसी आलतू फालतू स्कूल में दाखिल नहीं करवाऊंगा, मैं इसे कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगा, कॉन्वेंट में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी नहीं, नहीं, अगर आपने कोई भी ऐसा गलत काम किया तो आप मेरा मुंह नहीं देखेंगे। लक्ष्मी बापू, आप काम क्या करते हैं? मैं ऑफिस में काम करता हूँ बेटे। मैं भी तुम्हारी तरह ऑफिस में काम करूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बाप का असर तो बेटे पे पड़ता ही है। कल जब मेरी बीवी को पता चलेगा कि मैं काला धंधा करता हूं तो वो बेचारी खुदकुशी कर लेगी। तो तुम अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाओगे? पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। है मगर खोखले, उन रास्तों पर खून पसीना बहाकर तुम दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकोगे। तुम्हारी बीवी के बदन के फटे कपड़े बरसों नहीं बदले और तुम्हारा बेटा किसी खराब स्कूल में पढ़ेगा। नहीं, नहीं केदारनाथ, ऐसा मत कहो, मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। मेरी भी इच्छा, आसाम से आने वाली गाड़ी 8:15 पर पहुंचेगी। स्टेशन के बाहर तुम्हें मैं चल रहा, उसका लिबास होगा सफेद। हेलो हेलो, हाँ मैं मनोहर बोल रहा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से पुलिस को चकमा दिया है। माल कहाँ है? माल मेरे पास है। माल को लेकर सीधे अपने घर चले जाओ। क्या करूँ जी, आपके पास? डरो नहीं, मैं तुम्हारे पीछे। कमाओ भागने का, खबरदार जो भागने की कोशिश की। क्या हुआ, आप इन्हें पकड़ क्यों रहे हैं? क्या क्या है इन्होंने, आखिर बात क्या है? हमें इस आदमी की बहुत दिनों से तलाश थी, ये आदमी काला धंधा करता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप चुप क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कि ये सब झूठ है? अफीम से भरा हुआ बैग इसके पास है, ये इनकार कैसे कर सकता है? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। चलो हौलदार, ले चलो अमीन को इस मॉल से निकालो, वरना इसके बच्चे के साथ साथ हमारे बच्चे भी खराब हो जाएंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो राम भरोसे, बाप तो चोर है, बेटा डाकू निकलेगा। डाकू डाकू, निकालो 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 निकालो। मेरा बेटा, तू अच्छा आदमी बनेगा, मैं तुझे अच्छा आदमी बनाऊंगी। बापू की तरह नहीं बेटा, नहीं, मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ मैं कोई नहीं जानेगा। किस्मत में जो कलंक हमारे माथे पे लगाया है मैं उसे धो दूंगी। कैसे कलंक माँ, तुम रो क्यों रही हो? ये ममता के आंसू है बेटा, जिसकी गहराइयों में तेरा भविष्य छुपा है। माँ बापू नहीं आएंगे। तेरे बापू अब कभी नहीं आएंगे, मैं इनका साया भी तुझे पढ़ने नहीं दूंगी, मैं तुझे अच्छा आदमी बनाऊंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न। सर जी मनोहर पकड़ा गया। माल का क्या हुआ? माल भी पकड़ा गया। और न जाने उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर कहाँ गायब हो गई। Thank you.
ढिले के साथ इसी नहीं चलो जिन गंदे हाथों ने बेसहारा का माल छीना है शेर खान उन हाथों को तोड़ देगा लो बहन अपनी मदद चल कुमार हाथ मारते इसका देखिए औलाद अब इस पांव पे गिरता है सारा हराम खोर तुम किधर जाएगा बहन भाई साहब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है अरे तुम हमको अपना भाई बोलता है और कहता है इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं तुम हमारे साथ चलो आपके साथ हाँ आज से हमारा एक नहीं दो बेटे हैं दो हाँ एक ये और एक सलीम सलीम बड़ी मेहनतों के बाद उसे चिराग मिला फिर क्या हुआ अलाउद्दीन फिर खल्लास बादल खल्लास पहाड़ खल्लास जंगल खल्लास तूफान खल्लास शहर खल्लास सारी दुनिया खल्लास धुआं 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 और फिर इस बात इसमें से एक जिन निकला बोलो मेरे आका क्या हुक्म है सलीम खल्लास मेरे प्यारे मेरे लाडले दुलारे खोल आके खोल हम लोग परिस्तान में हैं परियां ही परियां दाएं परियां बाएं परियां ऊपर परियां नीचे ही परियां लड़कियां लड़के लड़कियां और यही तासीर है इस चिराग में अलाउद्दीन के चिराग में और ये चिराग मेरे पास है और मैं इसे घसूंगा तो खल्लास बहन ये है मेरा बेटा सलीम बाबा कौन है ये लोग ये तुम्हारा भाई है लाले की जान आज से ये लोग हमारे साथ रहेंगे बहन ये है मेरे जिगर का टुकड़ा खुदा की न जाने क्या मसलहत थी बचपन में ही इसकी माँ का साया इसके सर से उठ गया मैं इसे अपने बेटे की तरह रखूंगी तुम किसी बात की फिक्र न करना कल से हमारे बेटे के साथ साथ हमारा दूसरा बेटा भी स्कूल जाएगा मैं स्कूल जाऊंगा हाँ मेरे बापू भी यही कहते थे अशोक मैं इसे पढ़ाऊंगा बहन परवरदिगार ने चाहा तो इसके बाप का ख्वाब जरूर पूरा होगा डैडी डैडी देखो मैं खिलौना लेके भागती है नहीं डैडी ये मेरा है नहीं ये मेरा है नहीं नहीं बेटे ऐसा करते हैं तुम एक नया खिलौना ले लेते नहीं डैडी मुझे यही चाहिए कैसी अजीब बात सारा घर खिलौनों से भरा पड़ा है और दोनों को एक ही खिलौना चाहिए दोनों एक साथ जो पैदा हुई हैं इसलिए पसंद भी एक है ये सब कसूर आपका है जी दोनों को एक साथ पैदा करने की जरूरत क्या थी दूसरों का घर फूंक कर तमाशा देखने वाले सेठ मैं आ गया हूं तुम कौन हो तुम बहुत खूब किरारनाथ मुझे उम्मीद भी तुमसे यही थी कि यही तुम्हारा पहला सवाल होगा जिस आदमी को मैं पहचानता नहीं उससे दूसरा सवाल हो भी कर सकता है सवाल तो मैं तुमसे करने आया हूं कहां है मेरी बीवी और कहां है मेरा बच्चा बीवी बच्चा किसकी बीवी तुम्हारे दोस्त मनोहर की बीवी मेरा बच्चा केदार मेरा बच्चा मैं किसी अनोर मनोहर को नहीं जानता तुम यहां से जा सकते हो चाहता तो तुम्हें भी जेल करवा सकता था लेकिन मैंने वफादारी का दामन नहीं छोड़ा जेल भिजवाने वाले मैंने बहुत देखे तुम्हारा बनाया हुआ नाटक यहां नहीं चले नाटक नाटक करना तो तुम जानते हो तुम इतने बदल जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था गिर जाना हंसी वफा की चिंगारी या बदले की आग बन चुकी है केदारनाथ दुनिया तुम्हें कितनी शरीफ समझती है लेकिन मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम कितने शरीफ कितने नीच और कितने कमी हो
कानून को तुम्हारे तलाचे का जवाब इससे दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। लाले की जान, ऊपर वाला जो करेगा ठीक करेगा। वो समझा दीपक मर गया इसलिए वो भाग गया। सलीम आएगा बेटे, वो जरूर आएगा। पुलिस चौकी में उसकी रिपोर्ट लिखा दी। हाँ बहन, और सारे जानने वालों को भी खबर कर दी है। पापा, सलीम मेरे वजह से गया। ऐसा कभी मत सोच रहा बेटे, ऐसा कभी मत सोच रहा। इन आंसुओं को पूछ डाल, शेर का कलेजा रख, शेर का। तू शेर खान का बेटा है जिसने हर गम हमेशा मुस्कुरा कर सहा है। मेरी एक बात याद रखना लाले की जान, अगर दुनिया में जीना है गमों को ठोकरों से मार, यही अंदाज जीने का पसंद आएगा दुनिया को। Thank you.
याद हमारे साथ है। आपने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया था कि हम बेसहारा हैं। आजा, आजा, ओ मेरी अंधियारी जिंदगी में चिराग जला जा, मन में खलास। लेकिन नहीं, कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल। खलास, घंटी, लगता है जिन भी मॉडल हो गया है। Don't worry, I know English. Coming, coming. आइए, आइए, खुशामदीद। खलास, हाय। क्यों आज मुझे लिखे राधा? क्या? अरे रूप बदल गया है। जिनी, जिनी, माय जिनी। खलास। मुझे अशोक से काम है। अरे लेकिन चिराग को मैंने कहा था। मुझे अशोक से काम है। अशोक साहब कौन है? अलाउद्दीन। ये जिनी है। इन्हें ले गई अशोक की माता जी। किन्हीं से काम है? उन्हीं से काम है। अच्छा उन्हीं से काम है। खलास। जीते रहो। कौन हो तुम? मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। अयो फिर लड़की के रूप में। अयो क्या तुमने लड़की को नहीं देखा? अयो लड़की देखा लेकिन टक्कर मारते हुए नहीं देखा। हमको अशोक की अम्मा से काम है। तुमको अशोक की मम्मी से काम है। वो अंदर है, जाओ। माता जी मद्रास से आइए। तनानो हम इधर रहता। अशोक हमको बहुत चाहता है। हम तुमको इडली डोसा वड़ा सांभर सब अच्छा अच्छा खिलाएगा। मसाला डोसा सारी। खलास। क्या है अशोक बाबू? छे नहीं उनकी माता जी छे अंदर। माता जी राज गरबा आ भी गया। अरे मेरा एक चिराग जो गायब हो गया था, लगता है अशोक बाबू कहीं पर बैठकर उसे घस रहे होंगे। हेलो दाढ़ी वाला। हेलो सफेद चमड़ी वाला। माय नेम इज अलादीन चिराग वाला। आई वांट टू अशोक नानी। मम्मी मतलब माता जी अंदर है। अंदर है। हाय मम्मी हाउ डू यू डू। माता जी खल्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। लगता है आप सरजमीन यूपी से तशरीफ ला रही हैं। गोंडा या बस्ती? जी नहीं, कनीस का गरीब खाना लखनऊ है। लखनऊ है? ओ शामे आवत, शामे बहारा, शामे गुलिस्ता। हाँ तो फिर चलिए पहले आप। पहले आप? नहीं 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 पहले आप। जनाब पहले आप। पहले आप हुजूर। पहले आप। खलास ट्रेन छूट जाएगी तो पहले मैं ही। माता जी पंजाब सिंध गुजरात लखनऊ। आदाब
गर्ज है? माता जी, ये सब कुछ इस अलादीन के चिराग का करिश्मा है। अब बताइए, आपको हिंदुस्तान की सरजमीन का कौन सा शहर पसंद है? पसंद कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। क्या है? जब तक अशोक नहीं आ जाता तो भला मैं ये कैसे फैसला कर सकती हूँ? लेकिन अलादीन को मालूम है कि अशोक कहाँ है। उसके पास अलादीन का चिराग है और वो घस के कह रहा होगा, मेरी प्रिया, मैं पागल हो गया हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। लोग तो रात को सपने देखते हैं, मैं दिन में तुम्हारे सपने देखने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत चाहते हो। मेरी प्यार की सीमा पर ना तो मजनू पहुंच सकता है, ना तो फरहाद और ना तो सलीम। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अरे आप लोग, हेलो, ये मेरी बहन के दोस्त है सब लोग। हेलो हेलो, तुम किस किस से सच्चा प्यार करोगे अशोक? वो सभी ना, वो क्या है अशोक, तुम प्यार में लड़की को डेट करते हो? नहीं झूली, वो बात है। आज तक किसी लड़की की शक्ल नहीं देखा। मैं क्या तुम्हारी अम्मा लगती हूँ? अशोक तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं डूब कर अपनी जान दे दूंगा। अरे रेशमा, मेरी बात सुनो। अरे मेरी वो घूमने जा रही है। हेलो। आप एक अनार सौ बीमार। वो बात ये है कि ये खामखा मेरा पीछा कर रही है। अच्छा, अब आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा। आइए। तो आप मुझे अपने घर ले आए? जी हाँ, जानते हैं क्यों? क्यों? हैद करने के लिए जरूरत है। आज तक तो आप लड़कियों के दिलों का शिकार करते आए हैं, आज आपको एक हसीन लड़की का खून करना पड़ेगा। खून? किसका खून? मेरा। जी अरे आप तो डर गए। आप बैठिए, मैं अभी हाथ में धोकर आती हूँ। ओके। हाँ ओके। ग्रीन मैक्सी कबाट में है। सुनो, वो सामने वाले कबाट में ग्रीन मैक्सी है, जरा निकाल देना प्लीज। हो श्योर। नहीं अशोक, यहाँ की बात इस चारदीवारी से बाहर कभी नहीं जाएगी। ये सब क्या है? सारी दुनिया जानती है कि रेशमा तुमसे प्यार करती थी और तुमने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका खून कर दिया। ये झूठ है। ये सिर्फ तुम जानते हो या हम जानते हैं? जाने मन, अदालत में जब लाश के साथ तुम्हारी तस्वीर पेश की जाएगी तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकेगी। लेकिन मैं, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? ये हो ना कुछ बात, जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। ये लड़की अपने करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, तुम उसे अपनी मोहब्बत के हसीन जाल में फंसाओगे। बेटी की जिद बाप की बहुत बड़ी कमजोरी है। जाने मन, शादी के बाद हमसे मार डालेंगे और तुम्हें तुम्हारी रकम दे दी जाएगी। और अगर तुम्हें इसे इनकार है तो याद रखो, अदालत और तुम्हारी तस्वीर। लड़की का नाम है मीना। तू फर्स्ट आएगी, ला मेरा इनाम। ये क्या है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट के सर्टिफिकेट पे अपना स्टैंप लगा रही हूँ डार्लिंग। डार्लिंग की बच्ची, तू भी तो सेकंड आई है। वैसे तो मुझे रिजल्ट मालूम था, अगर मैं फर्स्ट आई तो तू सेकंड, और अगर तू फर्स्ट आती तो मैं सेकंड। गम तो सिर्फ इस बात का है कि अब हम दोनों बिछड़ जाएंगे। अरे मेरे राजेश खन्ना, नमक हराम को डायलॉग याद नहीं?
जहाँ यार नहीं वहाँ प्यार नहीं, जहाँ प्यार नहीं वहाँ यार नहीं। बिल्कुल इसी तरह हम लोग जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। इस वक्त तुझे फिल्मोरिया का 102 डिग्री बुखार चढ़ा है। अरे उसी बुखार की कसम, जिस तरह आज तक हमने ब्रह्मचारी जीवन का पालन किया है, उसी तरह अगर रोमांस का मूड हुआ तो एक साथ ये शुभ कार्यक्रम आरंभ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का श्री गणेश कर देंगे। सत्य वचन बालिके, सत्य वचन। कट प्लीज। चाचा तुषार और शकुंतला के मिलन का दृश्य समाप्त हुआ। घनश्याम पर्दा गिराओ। हम तुम जब जब मिल के चले, वो मिल के चले, बाहरों ने पुकारा, नजारों ने पुकारा, वो तेरी मेरी दोस्ती जिंदाबाद। हम तुम जब जब मिल के चले, वो मिल के चले, बाहरों ने पुकारा, नजारों ने पुकारा, वो तेरी मेरी दोस्ती जिंदाबाद। Oh, tere meri dost।
कपड़े उतार लीजिए जी। डूबने से तो बच गए लेकिन ये सर्दी मार डालेगी जी। लेकिन वो हाँ हाँ आप यहाँ सुखा लीजिए। मैं क्या नाम है आपका? मधु। आपकी सहेलियां आपके लिए बहुत परेशान होंगी। हाँ मीना तो मेरे लिए तड़प रही होगी। मीना? हाँ मीना मेरी बहुत अच्छी सहेली है। हाँ तो जल्दी कीजिए ना, जाने उस बिचारी पे क्या गुजर रही होगी। और तुझे फांसी लग जाएगी, ये तो पहले ही डूबने से बची है। हाय क्या याद दिलाया वो डूबने का वाक्या। व्हाट ए ग्रैंड सीन इन टेक्निकलर। ग्रैंड सीन इन टेक्निकलर। अयो अम्मा यू शट अप रे। पर हिंदुस्तानी फिल्म नहीं माफक, तेरे दिल में कुछ कुछ होता होगा नी। ए मेरा दिल एकदम प्योर हिंदुस्तानी है, इतनी आसानी से कुछ 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 नहीं होता। आई एम सॉरी लेकिन मीना आदमी बहुत शरीफ है। क्यों नहीं, शराफत नापने का मीटर तो सिर्फ तेरे पास है। माफ करना मैं जरा गोल की प्रैक्टिस कर रहा था। ये गाड़ी कब जाएगी? जब इसका टाइम होगा तब जाएगी। जल्दी चलाओ, सारा ओलंपिक मेरा इंतजार कर रहा है। और मैं अच्छे तेरा इंतजार कर रही है। तुसी कितने चले हो पति देव? पति देव मैं ओलंपिक खेलने जा रहा हूँ। अगर वहाँ की लड़कियों को पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरा सारा क्रेज खत्म हो जाएगा। और क्रेज की अगर स्यापा सारी जिंदगी तक गुल्ली डंडा खेलते रहे हो, हुणे ओलंपिक की स्यापा जेड़ा खत्म हो जाएगा। दार्जिलिंग कल रात मेरे सपने में मोहम्मद अली क्ले आया था। उसने कहा बॉक्सिंग में कोई दम नहीं, ओलंपिक जाओ, हॉकी खेलो और गोल करो। मैं क्या 7 साल ब्याह हो गए एक गोल नहीं कीता, उठे जाके कि मोए ना फिर करोगे? घर में मैदान कहां? एक्सक्यूज मी इधर बाथरूम किधर है? तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। यू शट अप शट अप काहे को बोलते रे? एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल लेडी इधर बाथरूम किधर है? छी बाथरूम बोलते रे मिस्टर फुटबॉल। एक्सक्यूज मी इधर बाथरूम किधर है? अबे सीधा डब्बे के अंदर घुस जा, नहीं तो मैं ब्रांडी शॉट मारूंगा कि गोल कर दूंगा। उधर बाथरूम मिलेगा क्या? मिलेगा मिलेगा तो फिर जल्दी करो। मैं ब्रांडी शॉट की पोजीशन में हूं। हां किधर है? मैं क्या गोल वो छोड़ो तो बाकी के गोल कर चल के करो। शट अप यू शट अप। आज मुझे ओलंपिक जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकनी हूं। तुम कैसे रोकोगी देखता हूँ। जा रहा हूँ ओलंपिक। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। क्या कहा? हाँ मैं तुम्हारे ऐसा स्ट्रोक बना के मारूंगा के सर फोड़ूंगा। ये शोर किस बात का है? शोर? एक पागल ने एक औरत का हाकी से सिर फोड़ दिया और वो उस ट्रेन में जाकर छुप गया। तू इस ट्रेन से मत जा। क्यों? अगर वो पागल तेरे कंपार्टमेंट में आ गया, तेरा सर फोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरी तो सहेली चली जाएगी। छोड़ यार, मैं कोई पागल से डरती हूँ? चल। कॉलेज में घंटी बजती थी मिलने के लिए, अब घंटी बज रही है बिछड़ने के लिए। हम बिछड़ जरूर रहे हैं फिर मिलने के लिए। अपना ख्याल रखना।
मैं तो अपना ख्याल रख ही लूंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल जरूर रखना क्योंकि वो पागल इस घर में बाय बाय। अरे लेकिन क्यों? हॉकी नीचे रखो हॉकी। लेकिन क्या बात है? उधर जा जा जा। लेकिन किस लिए? हॉकी हटा। अरे लेकिन मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ने के बच्चे अभी बताती हूँ। जा भागो यहाँ से। जा लेकिन जा सुनिए सही। अरे भागो। मुझे कोई भूख नहीं लगी बाबा। जा आइस आइस। ओह माय गॉड, ये क्या गुंडों को लाए रे तुम लोग? काय को फाइटिंग करता है? पागल है पागल है। अरे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ मैं। अबे मैंने ये पागल है ये पागल है। अरे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ निकलेगा निकलेगा बाहर निकलेगा, लेकिन पहले ये बताओ इधर बाथरूम कितना है? शेरा यहाँ से जाने का क्या लोगे? कुछ नहीं। अरे अपन तो संतरे का एक बोतल लेगा। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ ना तो चेन खींच लूंगी। कमाल है आप तो ऑर्डर ऐसे दे रही है जैसे आपने पूरी ट्रेन खरीद ली। ट्रेन खरीद लिया मैं तो अपन विस्की का कप बोतल लेगा। तुम पागलों से पाला पड़ा है। आपको देखकर तो कोई भी पागल हो सकता है। क्या घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग खुद ही आने बैठेंगे। चलो भाई दूसरे कूपे में चले। चलो बाथरूम किधर है रे? मेरी जेब में है। हमको दिखाओ। चलो बाहर चलो दिखाता हूँ। चलो 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 चलो। ओह माय गॉड, इधर बाथरूम किधर है? ए मिस्टर, ए मिस्टर, इधर बाथरूम किधर है रे? अबे तू फिर आ गया। ओ तूने मेरा जीना हराम कर दिया। ओ तूने मेरा सोना हराम कर दिया। यू ब्लडी बास्टर्ड, हर 5 मिनट के बाद अगर ये पूछता है बाथरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, ओ ब्लडी बास्टर्ड, यू गेट आउट। ओ भाई साहब आप मेहरबानी करके इसे ब्लडी बास्टर्ड को बाथरूम दिखाइए और मुझे सोने दीजिए, इसने मेरा सोना हराम कर दिया। इसने मेरा सोना हराम कर दिया। बाथरूम किधर है? इधर बाथरूम कितने रे? मंगाया है। आएंगे तो हमको उठा देना। समझ लिया था अगर आप ना आते। मुझे तो आना ही था। क्या मतलब? मेरा मतलब अगर मैं नहीं आता तो आप हमेशा के लिए मुझे पागल समझ लेती है। I'm sorry. It's perfectly all right. आप कहाँ जा रही हैं? गंगापुर। आप? मैं भी गंगापुर। गंगापुर में आप कहाँ रहते हैं? रहता तो नहीं था लेकिन अब रहना पड़ेगा। जी? सेठ केदारनाथ ने बचपन से मुझे पाला है, अब उनकी जिद है कि मैं वहां आकर सारा काम का संभालूं। आप कहाँ रहती हैं? मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। उन्हीं के पास जा रही? हाँ नौकरी के लिए। नो नो नो, नौकरी के लिए? तब तो बात बन गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नौकरी मिल जाए। थैंक यू। जब उन्होंने आपको पाला है तो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं टाल सकते। बिल्कुल नहीं। लाला जी देखिए कौन आई है। एक्सक्यूज मी, आई नहीं आया है, मुझे बुलाया गया है। ये यहाँ नौकरी के लिए आया है। नौकरी? कौन सी नौकरी, कैसी नौकरी?
आपको खाना बनाना था, बिस्तर लगाना आता है, झाड़ू लगाना आता है। क्या वक्त नहीं है आप? मैं यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए आया हूँ। अरे कमाल, आने की खबर तक नहीं थी। डैडी, मैंने टेलीग्राम भेजा था। अच्छा, मुझे तो नहीं मिला। अच्छा छोड़ी, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई हूँ। क्या बात, मैं पहले ही जानता था। आखिर जी मैं वो डैडी मेरे पीछे। जी हाँ, हॉकी लेके। जी हॉकी। जी का बच्चा, मुझे नहीं, मेरे बंदूक। डैडी ये डाकू। डाकू, देखिए आपको मैं ने मेरे बारे में आपको लिखा था और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। गुड जॉब, गुड जॉब। कतुआ तो मेरे दोस्त है। तुम अशोक हो? जी हाँ। गुड जॉब, गुड जॉब। बेटी अशोक के रहने का इंतजाम कर दो। ललिता, ये है तुम्हारे नए मैनेजर मिस्टर अशोक, और बेटी ये है तुम्हारी नई माँ। आओ अशोक, चले। कुछक कुछक अभी नहीं है ना, वक्त के साथ सब कुछ समझ जाएगी। काम आएगा। क्या सोच रहे? सोच रहा था कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। कल तो मैं बिल्कुल समझ बैठा था कि आप भी यहां नौकरी के लिए आई हैं। हाय राम, दीदी और नौकरी क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? एक्टिंग तो तुम भी कुछ कम नहीं करती। कल तो तुम मुझे झाड़ू मारने के लिए कह रही थी। वैसे आप भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। उस चोर को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं मारा था। हाय दैया, इन्होंने चोर को मारा? दीदी आपने मैनेजर रखा है ये चौकीदार। तुम बिल्कुल सही जा रही हो। मैं कहीं नहीं जा रही बाबूजी, मैं यहीं खड़ी हूँ। ओहो माफ करेगा, इसकी जबान पर लगाम नहीं रहता। वैसे वो हॉकी वाली बात नहीं भूल सकती। मैं भी वो दो सॉलिड संतरों वाली बात नहीं भूल सकता जो आपने मेरे चेहरे की तरफ मारे थे। आई एम सॉरी। सारी सारी चोली, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा तो तुम बताओ हम लोग कैसी बातें करें? वैसी जैसी एक लड़का एक लड़की से करता है। तू जाती कि नहीं? कुछ काम है कि नहीं तुझे? एक दो हो तो बताऊं दीदी, मुझे कितना काम है। बाबूजी के लिए कमरे में फर्नीचर लगाना है, खाना बनाना है। तू जा रसोई घर में? हाय मेरी बाल, ये हमारे घर का एक कैरेक्टर। वो तो है, लेकिन कैरेक्टर में गाड़ी में भी कुछ कम नहीं मिला था। वो बाथरूम किधर है? बाबूजी मैं बताती हूँ बाथरूम किधर है। आ जाइए, लाला जी भी बुला रहे हैं। अच्छा तो नौकरी पर चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओ नो, आई कांट बिलीव दिस, मीना एंड रोमांस, ओ माय गॉड। ये बात है मधु, जब तुम मेरे आशिक को देखोगी ना तो बस पागल हो जाओगी। क्या स्मार्ट लगता है, क्या स्मार्ट लगता है। अरे जब मैं सतीश को देखेगी ना तो घंटियां बज जाएंगी, छुट्टियां हो जाएंगी, छुट्टियां। हाँ
महफिल में तेरा दीवाना आया है, आया है। महफिल में तेरा दीवाना आया है, आया है। तकदीर को तोड़ दूंगा हाथ से औलाद की जंजीर को। शरलू 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 सकेगा अब जुदा। ये मोहब्बत के खुदा ने कर दिया है फैसला। शरलू 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 महफिल में तेरा दीवाना आया है, आया है। ख्वाबों की ताबीर तुम्हारे रूप में देख रहा हूँ। तुम जितना ही अच्छा गिटार बजाते हो
उतनी अच्छी बातें भी करते हो। ये बातें भी मैंने तुम्हीं से सीखी हैं। तुम मुझे गिटार बजाना सिखा दो, मामला फिर तुम। तुम सीख कर क्या करोगे? मैं शादी में बजाऊंगी। दुल्हन बनकर? यानी अपनी शादी में मस्तानी दीवानी? सब चलता है। इसको इस तरह पकड़ो, इस तरह, और अपने दिल के तारों को इस तरह छेड़ो कि हर राग हर सरगम में तुम। ये यहाँ की एक बहुत मशहूर जगह है, यहाँ पर भी कभी बाहर थी। जानता हूँ। तुम तो यहाँ पहली बार आए हो। दुनिया की सारी दास्तानें मिट सकती हैं, प्यार की दास्तां कभी नहीं मिटती। यहाँ के कोने कोने में प्यार की महक है। तुम इस महल की राजकुमारी के बारे में जानते हो? उस हसीन नाजनीन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, जिसके नाम के साथ साथ एक अमर प्रेम कहानी ने जन्म लिया। उसकी नजर जब पहली बार उसके महबूब से टकराई, तो तारीख लिखने वालों ने एक और कहानी लिखने के लिए कलम संभाल ली। दोनों के दिलों में प्यार ने अंगड़ाई ली। वो एक दूसरे को मिलने के लिए हर वक्त बेचैन रहने लगे, दूर के फासले कम होने लगे। जब वो अपने महबूब से मिलने आती, तो वो उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती, और वो उसे और करीब कर लेता, और वो अपना सर उसके सीने से लगा लेती, आंखें बंद करके प्यार की हसीन दुनिया में खो जाती। क्या? मैं तो तुम्हें राजकुमार की कहानी सुना रहा था। क्या? मीना, क्या ये कहानी हमारी और तुम्हारी नहीं हो सकती? किस बात का? राजकुमार की कहानी अधूरी रह गई थी, वो दोनों मिल ना सके। लेकिन आज जो कहानी यहां जन्म ले रही है, उसमें हम दोनों कभी नहीं बिछड़ेंगे। सच? हां मीना। बहुत थक गए होंगे, इतना काम क्यों करते हो? जी मैं एक नौकर हूं, और नौकर काम नहीं करेगा तो मालिक नाराज होगा। हम तो तुम्हें कुछ और ही बनाना चाहते हैं। अगर हम तुम पर एक बार मेहरबान हो गए, तो तुम्हारी जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। रात बहुत हो चुकी है और सेठ जी वहां अकेले होंगे। मैं साथ भी होती हूँ तो भी उन्हें नींद आती है। ये रातें तो कमबख्त मुझे तंग करती है। मुझे इन मजबूत बहू का सहारा दे दो, मैं तुम पे सारी दौलत निछावर कर दूंगी। दौलत? वो दौलत जो आपने अपनी जवानी बेचकर सेठ जी से हासिल की है? अशोक, जो खुद बिक चुका है वो दूसरे को क्या खरीदेगा? अब आप इस घर की इज्जत हैं, सेठ जी की इज्जत की लाज रखिए। जो बात भारी समझ में ना आवे मुनीम जी, कि आप यहाँ के सबसे पुराना आदमी हैं, धंधो पानी में आपकी कौन बराबरी करे? पर ये सेठ केदारनाथ जी ने नए आदमी को धंधो कैसे सौंप दियो? मले लाल जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। पर ये आदमी कैसो है? अजी कैसा भी हो, हमारे बनाए हुए उसूलों पे चलना पड़ेगा उसको। तो फिर सौदो पक्को मुनीम जी? बिल्कुल पक्का। लो मैनेजर साहब भी आ गए। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते।
ये मदन लाल जी हैं, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, सेठ जी ने आपके बारे में बताया था, लेकिन आप दाम बहुत कम दे रहे हैं इसलिए सौदा नहीं हो सकता। जी जय साहब, ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। सेठ जी बता चुके हैं, दूसरी पार्टी 50,000 में लेने को तैयार है। सोच लीजिए, मैं कल तक आपका इंतजार करूंगा। नमस्ते। फरिश्ता, लेकिन तुम्हारी मौत का तुम क्या समझते हो? पहरेदारों को रिश्वत की शराब पिलाकर गोदाम लूट लोगे? मैनेजर साहब, आंखें काफी तेज हैं। सोच लो, सारे दरवाजे बंद हैं मैनेजर साहब। जो बंद दरवाजे के अंदर आ सकता है वो बाहर भी जा सकता है। जिद मत करो मैनेजर, चाहो तो तुम्हें भी हिस्सा मिल सकता है। मुझे हिस्सा लेना होता तो गोदाम के अंदर नहीं बाहर मिलता। तो अब तुम्हारी समाधि इसी गोदाम के अंदर बनेगी। मामूली से आदमी का मुकाबला नहीं कर पाए। जानते हो, चोट खाया हुआ सांप और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर उसने तुम में से किसी एक को भी पहचान लिया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। सारे हिसाब गलत हैं। पैसा आया और खर्च हुआ ये तो आपने लिखा है, लेकिन वो पैसा कहां खर्च हुआ ये आपने नहीं लिखा। मैनेजर बाबू, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, जितना आता है उतना तो लिख लेता हूं, लेकिन वो कहां जाता है ये मुझे चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये हिसाब मुझे नहीं दिया तो मैं सारे खाते सेठ जी को दिखा दूंगा। लेकिन मैं आप जा सकते हैं। पवन की चाचा मर गया। क्यों बेटे, निकल गई हवा? हमने पहले ही कहा था कि साइकिल पे मत चढ़ाकर थोड़ा पैदल भी चलाकर दुबला हो जाएगा। तो पैदल चलता हूँ तो बच्चे हंसते कुत्ते भौंकते। तू तो मत भौंक। चिट्ठी ला रहा हूँ। चिट्ठी नहीं लाएगा तो क्या हाथी घोड़े लाएगा? किसकी चिट्ठी है? अशोक बाबू की। अशोक बाबू की। जा, तू, मैं दे दूंगा उसे। दे दोगे ना? अरे हाँ हाँ, दे दूंगा उसे। तू जा अपना काम कर। फिर पंचे ठीक करवाओ, फिर पंचे ठीक करवाओ। आओ ललिता। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे सबसे बड़ा गजब तो यह है कि कांटे ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि जहर चढ़ना शुरू हो, इस कांटे को हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? अरे कल का लौंडा मैनेजर बनकर क्या आ गया, अपने आप को मालिक समझने लगा। मुझे धमकी दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर उसे पूरा हिसाब चाहिए। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरी और अपनी भलाई के लिए मेरा साथ दे सकती हो। देखो ललिता, मैंने सेठ को बड़ी तरकीबों से रजामंद करके तुम्हें इस घर की मालकिन सिर्फ इस शर्त पे बनाया था, एक दिन तुम मेरे बेटे को इस घर का दामाद बना दोगी। तो फिर कोई रास्ता निकाला? अरे ऊपर वाला मेहरबान तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। ये देखो। ये क्या? इस खत में अशोक के किसी गहरे दोस्त ने विदेश जाने के लिए उससे 10,000 रुपए मांगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अशोक को 10,000 रुपए हम दे देंगे ताकि उसकी दोस्ती में भी फर्क ना आए और अपना भी काम हो जाए। वो कैसे? अरे मैंने मुनीमगिरी की है ललिता, घास नहीं खोदी। हेलो, अशोक स्पीकिंग।
क्लब में 6 बजे। लेकिन आप है कौन? हेलो मैम, मेरे यहाँ आने की वजह समझ ही गए होंगे। मुझे चाहे कुछ भी हो, अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो काम बिगड़ सकता है। काम तुम बिगाड़ रहे हो अशोक, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में घुसने की? अगर गोदाम लूट भी जाता तो तुम्हारा क्या जाता? गोदाम नहीं लूटा, यही मेरे मकसद की सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या मतलब? किसी भी लड़की को हासिल करने के लिए उसके बाप के दिल में जगह करना बहुत जरूरी है। अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? ऑफिस गई थी, पता चला तुम यहाँ पर हो। जानते हो डैडी ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और वो तुमसे बहुत खुश है। उन्होंने कहा शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर कर देंगे। और शादी का मुहूर्त 20 तारीख को दिया। अच्छा अच्छा, तुम खुश हो ना? मुझे किसी आदमी से बहुत जरूरी काम से मिलना है, तुम घर चलो, मैं फौरन आता हूँ। अच्छा चलो ना, मैं आता हूँ। देखो आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ। देखो देर नहीं करना। ओके ओके बाय। सुनो लड़की का बाप राजी हो चुका है, शादी का मुहूर्त निकल चुका है और ये मुहूर्त किसी भी कीमत पर टलना नहीं चाहिए। आज मैं कितनी खुश हूं, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। हो सकता है जिसे तुम मंजिल समझ रही हो वो तुम्हारी मंजिल ना हो। जिस लड़की को चाहने वाला मिल जाए वही उसकी मंजिल होती है। हो सकता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, मैंने किसी मकसद के लिए तुमसे शादी की हो। शादी के बाद हर चीज पर तुम्हारा हक है। अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो वो मौत कितनी हसीन होगी। अब तो मेरी जिंदगी की डोर भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन आज वो डोर हमेशा हमेशा के लिए काट दी जाए। कौन हो तुम? तुम्हारी हमशक्ल, जिसे कल से लोग मीना के नाम से जानेंगे। नहीं चालू, तुम मीना को नहीं मार सकती, ये मेरी बीवी बन चुकी है, मैं इसे प्यार करता हूँ। दहकने की कोशिश मत करो अशोक, तुम्हारा काम सिर्फ मीना से शादी करना था। अब तुम अपने पैसे ले सकते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मीना के विश्वास को किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस रिवॉल्वर की एक गोली तुम्हारे भी काम आ जाए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मुझे मारो, लेकिन अशोक को छोड़ दो। डर गए? लेकिन तुम तो खुद अपने हाथों से मीना को मौत के हवाले कर रहे हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बुजदिल हो, मीना तुम्हें चाहती है, मैं भी मीना को चाहता हूँ। झूठ, चाहने वाले जान लेते नहीं, जान बचाते। तुम यहां से भाग जाओ। अगर मीना की मौत तुम्हारे हाथों से हुई तो लोग मोहब्बत पर विश्वास करना छोड़ देंगे। उन लोगों से जाकर साफ साफ कह दो कि तुम शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग मुझे मार डालेंगे। अपनी जान बचाने के लिए तुम मीना की जान लोगे? अगर तुमने शादी नहीं की तो शायद मीना की जान बच जाएगी। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। कहां जा रही है? मैं जा रहा हूं, जो इज्जत मुझे इस घर में मिली मैं उसकी लायक थी। क्यों, क्या बात? क्या? मैं बताती हूँ,
ये जान ही रहा भाग रहा है। तुम क्या समझते हो आसानी से हमारी आंखों में धूल छोक कर निकल जाओगे? हम अंधे नहीं अशोक। आखिर बात क्या है? ये चोर है। किसी के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लीजिए आप क्या कह रही है। मैं भी इसे शरीफ समझती थी लेकिन आज इसकी शराफत का नकली लिबास मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुमने क्या देखा? मैंने इसे आपके कमरे से निकलते हुए देखा। मुझे शक हुआ। तिजोरी खोल के देखी पूरे 10,000 कम है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने चुरा ली है? डैडी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अशोक ऐसा काम कर सकता है। आप भी ठीक ही कहती हैं मीना बेटी। सूरज से तो अशोक बाबू शरीफ आदमी मालूम होते हैं, इज्जतदार हैं। लेकिन मालकिन कहती है तो तलाशी ले लेने में क्या हर्ज है? बुरा ना मानिए अशोक बाबू, जब चोरी होती है तो शक किसी पे भी हो सकता है। लीजिए तलाशी और याद रखिए अगर कुछ नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? जी 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 जी। रुपए, कुछ किस्मती से तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। अगर तुम मुझे 10,000 रुपए भेज दो तो मैं विलायत चला जाऊं। ये खत तुम्हारे दोस्त का है? जी लेकिन मैंने पहले कर... तुम्हारे दोस्त को 10,000 की जरूरत है और ये नोट तुम्हारे बैग से मिले। मीना तुम तो मुझ पे खामोखा नाराज हो रही थी ना, अब तो तुमने अपनी आंखों से इस बहरुपे को देख लिया। अशोक तुम इतना गिर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मीना क्या तुम्हें भी यकीन है कि ये चोरी मैंने की है? तुम चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मान लो इस चोरी को, मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं। तुम जा सकते हो। मैं जा रहा हूं सेठ जी, और अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो एक दिन यह जरूर साबित कर दूंगा शरीफ गरीब हो सकता है लेकिन चोर नहीं। बाबूजी, मैं जानती हूं चोरी आपने नहीं की है, फिर आप यहां से क्यों जा रहे हैं? डर में इंसान अपने आप से मजबूर हो जाता है। मीना मुझसे नफरत करने लगे, इसी में उसकी भलाई है। क्या बकती हो? मैं सच कहती हूँ, अशोक ने जानबूझकर चोरी का इल्जाम अपने सर लिया। उसने ऐसा क्यों किया? वो मीना से प्यार करता है। जिसकी जिंदगी की चौखट पर हमेशा मौत खड़ी हो वो क्या किसी से प्यार करेगा? अब वो शादी कभी नहीं करेगा। अगर उसने शादी नहीं की तो मैं उसकी जिंदगी के शीशे को तोड़ के चाहना चाहूंगी। माँ, मेरे बेटे, तुझे देखने को कब से मेरी आंखें तरस रही थी। कितने दिन तू मुझसे दूर रहा, तेरा काम तो पूरा हो गया ना? हाँ माँ। पकड़ लो इसे। जो, क्या क्या है मेरे बेटे ने? इसके नाम वारंट है, इसने सेठ केदारनाथ के घर चोरी की। नहीं, नहीं, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। इसका फैसला अदालत में होगा, ले चलो इसे। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को। आओ बरकोटार, हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नकली पुलिस वालों को भेजकर आपने खामखा तकलीफ की। मैं खुद ही आपके पास चला था ये बताने के लिए कि तुमने अपना इरादा बदल दिया है। फैसला करने से पहले शायद तुमने अपना अंजाम नहीं सोचा। मौत तो यूं ही एक दिन आनी है। कुछ तो अपनी जवानी पे तरस खाओ अशोक। मुझे फिक्र अपनी नहीं, मीना की। बहुत खूब, तुम तो दिल लेने गए थे और दिल देकर लौट आए। देखिए मीना एक मासूम लड़की है,
आप लोग मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे मारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। हमसे गद्दारी का अंजाम बहुत भयानक है अशोक। अब भी सवेरा है, मीना तुमसे प्यार करती है और उसका बाप तुमसे शादी करने के लिए राजी हो चुका है। मैं मीना से किसी कीमत पर भी ये शादी नहीं करूंगा। हम चाहे तो तुम्हें अभी गोली मार सकते। नहीं शालू, अभी नहीं। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ले जाओ इसे। मुझे चाहे तुम कुछ भी कर लो, मगर एक बात याद रखना, अगर मेरी मीना को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दोनों बाप बेटी मेरे बेटे से शादी करने पर रजामंद हो गए? तुम्हारे बेटे से नहीं मुनीम, मेरे भाई से। समझे? समझा। लेकिन ये तो बताओ, मीना इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गई? अपने बाप की खुशी के लिए उसे राजी होना पड़ा। लेकिन तुम अपने बेटे को समझा देना कि वो यहाँ आके कोई गलती ना कर बैठे। तुम इसकी चिंता ना करो, यहाँ आने से पहले पूरा खेल समझा दिया जाएगा उसे। मैं मजबूर हूँ पिताजी, मैं मधु को धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, अगर तुम मेरे अरमानों की चिता पर अपनी मोहब्बत का महल खड़ा करना चाहते हो तो कर लो। एक लड़की की मोहब्बत पर अपने बाप की मोहब्बत को बलिदान कर देना चाहते हो तो कर दो। लेकिन ये समझ लो, अगर ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर सका और चल बसा, तो तुम मेरी अर्थी के भी करीब आकर न खड़े होना। खत्म हो गया आज से बाप और बेटे का रिश्ता। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके लिए सारी दुनिया को भुला सकता हूँ, लेकिन आपको दुखी नहीं देख सकता। सतीश मेरे बेटे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूं। हम आज ही यहां से चले जाएंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वहां किसी को ये ना पता चले कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन खून का रिश्ता कैसे छुप सकता है? जानता हूं बेटा, लेकिन जब तक शादी ना हो जाए, मैं वहां सिर्फ एक मुनीम हूं और तुम सेठ केदारनाथ की बीवी के दूर पर एक नाती हो। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की शालू, लेकिन वो अपनी जिद पर अटल है। अशोक हमारा प्लान समझ गया है। हमने उसे सोचने के लिए 12 घंटे दिए। अगर 12 घंटे में उसने फैसला न बदला तो हम उसे खत्म कर देंगे। अशोक कैसे भाग गया? अशोक का यहाँ से भाग जाना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि हर खतरे का इलाज दिलावर खान है। दिलावर खान? हाँ। जब इतने लोग कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगा? हर इंसान की जिंदगी का फैसला दिलावर खान के हाथ में है। तो उसे भी आजमा लेते हैं। Thank you.
मारकर इंसान को धीगर बना देता है। और कोई बचा है? बस तू, मैं हूं। दिलावर खान औरत जात पर हाथ नहीं उठाता, घर पे कोई मर्द है तो लाओ उसे। दिलावर खान की दिलेरी के चर्चे तो बहुत सुने थे, लेकिन आज आंखों से देख लिया। शेर के साथ चूहों को लड़ाकर शेर की ताकत का अंदाजा नहीं होता मेम साहब। वैसे ऊपर से जब किसी का अर्जेंट वारंट आ जाता है तो लोग दिलावर खान को याद करते हैं। जॉनसन हॉस्पिटल में मेरा दुश्मन जिंदगी की सांस ले रहा है। दिलावर खान उसके जिस्म से उसकी सांस को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। नाम कैसे जानते हो? सलीम, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या? तुम्हारा भाई अशोक? हाँ सलीम, मैं अशोक हूं। अशोक? हाँ। ऊपर वाले ने मुझे कितने बड़े अजाब से बचा लिया। मुझे मुझे माफ कर दे मेरे भाई। सलीम, माफ कर दे अशोक। कौन हो तुम? डॉक्टर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं अशोक को मारने आया था। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो कोई दूसरा इसे मार देगा। मरीज की जिंदगी बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है। मैं क्या मदद कर सकता हूं? अगर कोई तुम्हें अशोक के बारे में पूछे तो तुम कहना कि वो मर गया, इससे इसकी जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, क्या उस लड़की से भी कह दूं जिसके अशोक के बारे में कई बार फोन आ चुके हैं? लड़की? कौन सी लड़की? क्या नंबर है उसका? उसका नंबर है 53 23 23। हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। आपके साथ अशोक के बारे में बहुत जरूरी बातें करनी है, आप फौरन आ जाइए। कहाँ पर? पुरुषोत्तम विला, ग्राउंड फ्लोर, डॉक्टर खान। आप ही का नाम डॉक्टर खान है? डॉक्टर खान नहीं, दिलावर खान। अशोक तुम्हारी गाड़ी से टकरा गया था? जी हाँ। क्यों? तुम उसे क्यों जान से मारना चाहती हो? क्या? अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो सच सच बता दो। तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं? वो तो अचानक ही मेरी गाड़ी के नीचे आ गए थे। उनका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने तो एक बार मेरी जान बचाई थी। क्या ये ठीक कहती हैं? अरे आप, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी क्या गलती है? एक्सीडेंट तो इत्तेफाक का नाम है। माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। दरअसल कुछ लोग अशोक की जान के पीछे लगे हुए हैं। उनकी नजर में तो मैं मर चुका हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं। आप मेरे यहां चलिए ना। जी मैं हाँ, चलिए ना आप। ये ठीक कहती हैं अशोक, आपको वहां किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूं। सलीम, ये फोटो तुम्हारे घर में कहां से आया? तुम इसे जानते हो? रेशमा, इस लड़की को कौन नहीं जानता। रेशमा, इसी लड़की को मारकर तो उन लोगों ने मुझ पर खून का इल्जाम लगाया था, और मैं उनके हाथों गलत काम करने के मजबूर हो गया। घबराओ नहीं अशोक, दिलावर खान इस मजबूरी के पिंजरे को तोड़ देगा। दीदी, कब तक टूगी? जब तक जिंदगी मौत तक नहीं पहुंचती। क्यों अपनी जिंदगी ये पीछे पड़ गई हो?
क्या कमी है तुम्हारे पास? कमी? बचपन से आज तक मैं ये नहीं जान पाई कि दुनिया में प्यार क्या होता है। जब भी मैं प्यार के लिए तड़पी, शराब ने मुझे सुकून दिया। मुझे सुकून चाहिए और सुकून का नाम सिर्फ शराब है। शालू, बेटे, अगर तुमने अपने आप को ना बदला तो हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मेरा बदलना नामुमकिन है दीदी। तुम्हें मीना बनना है शालू, मीना। मीना ना तो शराब पीती है और ना सिगरेट पीती है। शराब नहीं पीती तो क्या हुआ, हम उसे जहर पिला देंगे। हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम जानती हो कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। क्योंकि बंदूक किसी और के कंधे पर थी। शालू, लेकिन डैडी, शालू को मीना कैसे बनना है ये मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, लेकिन इसके लिए वहां के किसी आदमी को अपने साथ मिलाना बहुत जरूरी है। गाली जा रहे हो मुझे? गाली जा रहे हो मुझे? अरे क्यों पकड़ रहे हो? क्या चाहते हैं मुझसे? मीना की शादी जिस लड़के से हो रही है वो कौन है? मैं किसी लड़के को नहीं जानता, मैं किसी लड़के को नहीं जानता। राम साथी झूठ बोलता है। तुम्हारी मौत का सर्टिफिकेट हम तैयार कर चुके हैं। मैं तो उस घर का मुनीम हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे इशारे से उस घर का कारोबार चलता है। अशोक पर झूठा इल्जाम लगाकर तुमने उसे घर से निकलवा दिया। जी। ललिता का सहारा लेकर तुम उस लड़के की शादी मीना से करवा रहे हो और हम उसे गोली से उड़ा देंगे। जी नहीं, उसे गोली ना मारिए, मेरे बेटे को गोली ना मारिए, मेरे बेटे को गोली ना मारिए। तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा है, लेकिन अब सतीश का ब्याह मीना से नहीं होगा, नहीं होगा। मीना की शादी सतीश से ही होगी और ये शादी का नाटक मीना की जिंदगी का अंत होगा। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। तुम्हें दौलत मिलेगी और अगर ये बात मौत को देखकर मौत से कौन टकराएगा? मैं आपसे वादा करता हूं कि केदार भवन की एक एक मिनट की खबर आप तक पहुंचती रहेगी। फोर एट वन जीरो डबल थ्री। किसको फोन कर रही थी आप? मधु को। अब तो तन्हाई भी काटने लगी, वो आएगी तो दिल लगा रहेगा। मधु को अशोक बाबू के बारे में सब कुछ बता देंगी? नहीं चंदा, मैं अपनी किस्मत की हाल किसी को नहीं बताना चाहती। दिन दिन भर आप सबसे अलग रहती हैं और सतीश बाबू अकेले गिटार बजा के दिल बहलाते हैं। मैं क्या करूं चिंदा, मैं अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को समेटना चाहती हूं, लेकिन वो और बिखरते जाते हैं। अगर उन टुकड़ों को सतीश बाबू ने देख लिया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। भूल जाइए सब कुछ और समेट लीजिए सब टुकड़ों को, आपको एक नई जिंदगी शुरू करनी है। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। मीना डार्लिंग, तुम कैसी हो? ये अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? मेरी एंगेजमेंट है, तुम फौरन चली आओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे मौके पे दिल ही तो घबराता है। अच्छा ये बता, क्या बहुत खूबसूरत है वो? ये फैसला तेरे आने के बाद होगा, अपने बॉयफ्रेंड को जरूर लेकर आना। हाँ लेकिन क्या बात है, क्या वो तुम्हारे साथ आने से इनकार करेगा? इनकार? इनकार वो भला कैसे कर सकता है। हाँ मीना, मैं तुम्हारी शादी में जरूर लेकर आऊंगी उसे। तुम बहुत लकी हो मधु, जितनी जल्दी हो सके चली आना। ओके, ये शादी रोक दीजिए मधु जी, ये शादी हो गई तो मीना की जिंदगी खत्म हो जाएगी। मीना की जिंदगी? क्या आप मीना को जानते हैं? मीना को तो मैं दिलो जान से चाहता हूँ। लेकिन मीना की शादी तो उसकी मंगेतर से हो रही है। नहीं मधु जी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है। चाल? मीना के पीछे बहुत खतरनाक लोग हैं, दौलत के लिए उसे मार देना चाहते हैं। आप ये सब कैसे जानते हैं? इसलिए कि मीना को मारने के लिए मुझे भेजा गया था, मैं उसे मार तो नहीं सका, दिल दे बैठा। लेकिन आपका उन लोगों से क्या ताल्लुक है? उन लोगों ने मुझे एक चक्कर में फंसा दिया था, लेकिन अभी हाथ खुद का गला घोट सकते हैं, मीना का नहीं। तो आप मीना को छोड़कर क्यों चले आए? वो मुझसे प्यार करने लगी थी,
वहां के लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और मैंने कबूल कर लिया। मीना अमीर है, मैं गरीब। मैंने सोचा इसी बहाने वो मुझसे नफरत करने लगेगी। अब क्या होगा? मीना को बचाने के लिए हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मगर आप तो हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं। मीना की तो यही इज्जत है, लेकिन मैं उसे कहां से लाऊं? क्यों? इसलिए कि वो एक धोखेबाज निकला, दौलत की खातिर मुझे छोड़ के न जाने कहां चला गया है। मैं आपके साथ चलूंगा, आपका बॉयफ्रेंड। आपको तो लोग वहां पहचानते होंगे। वहां मेरा नाम अशोक नहीं, राजेश होगा। करोड़पति राजेश को आप आज से नहीं बरसों से जानती होंगी। अरे मेरी जान। अरे तेरे से मिलने के लिए तो तरस गई मैं। कैसी है तू? अच्छी। अकेली आई? नहीं हुजूर, हम भी साथ आए हैं। ये है मिस्टर राजेश और ये मेरी सहेली मीना। क्या देख रही है? तुम्हारी पसंद की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हम तो चोर हैं, आपकी सहेली का दिल जो चुराया है, पूछ लीजिए। पहली बार चुराया है, चोरी की आदत है। सुनो जाने मन, तुम्हारी सहेली को तुम पर इतना भी भरोसा नहीं कि तुमने अपने लिए सही साथी तलाश किया है। नहीं मधु, मेरी पसंद से तुम्हारी पसंद अच्छी है। इसका फैसला हम कैसे कर सकते हैं? पहले आपके देवदास को तो मिल ले, कहाँ है वो? तुम आ गई हो, वो भी आ जाएंगे। चलो चलो जाने मन। What a lovely house! क्या खूबसूरत घर है। मैंने कहा था तुमसे, मेरी सहेली रानी है रानी। ओ डार्लिंग, तुमने हमारा दार्जिलिंग वाला बंगला नहीं देखा? हम अपनी रानी को लेकर सीधे यहाँ से वहीं जाएंगे। आप क्या दार्जिलिंग के रहने वाले हैं? नहीं हुजूर, हम तो आजाद पंछी हैं। हिंदुस्तान के करीब करीब हर शहर में हमारी फैक्ट्री है, इसलिए हर जगह हमने बंगला बना लिया है। फिर तो आप बहुत अमीर हैं। दुनिया में आज इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा है। क्यों जाने मन? लेकिन मुझे प्यार तुम्हारे पैसों से नहीं, तुमसे है। इसीलिए तो मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ जाने मन। I love you। दीदी सामान कहाँ रखूं? मधु का सामान मेरे कमरे में और इनका ऊपर वाले कमरे। नहीं, हम अपने जाने मन से एक पल भी दूर नहीं रह सकते। दोनों का सामान ऊपर वाले कमरे में। कम लव। ओह नो लव, जब तक हमारे हुजूर के मंगेतर नहीं आ जाते हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। तुम जाने कहाँ चले गए? तो क्या हुआ हुजूर, हम उनका इंतजार करेंगे। हाँ मीना, हम किस बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे हैं और अभी तक हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। यू सेड इट, जब तक हम उनकी शक्ल नहीं देख लेते हम खाना नहीं खाएंगे। दैट्स राइट। अगर आप लोग उनकी शक्ल देखना चाहते हैं तो मैं उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। जरूर। Oh, what a handsome man. बहुत खूब, क्या खूब कहा है। मुझे जिंदगी तू कहाँ लेकर आई? आपकी आवाज में तो ऐसा जादू है जो हम सबको यहाँ तक खींच कर ले आए। मुझे राजेश कहते हैं। सतीश। मीना, साथ ही तो तुमने ऐसा चुना है कि जिसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। तुम खुश हो इसीलिए मेरी खुशी है। जी हजूर, हम भी तो दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं। जिसे एक बार अपना समझ लिया वो खुश, हम खुश। दूसरों का दुख सुख समझने वाला आदमी नहीं, फरिश्ता है। आप अपने आप को क्या समझते हैं, आदमी या फरिश्ता? किसी के समझने से क्या होता है, कांच हीरा नहीं बन सकता और हीरा कांच। इस जमाने में कांच और हीरे की पहचान तो जमाने की निगाहों से की जाती है। जो कम चमके वो कांच। खिलाना समझ लेते हैं, जब तक जी चाहा खेला, जब जी चाहा उठा।
उठा के फेंक दिया। अपने हाथ से बनाए हुए सांस को इंसान खुद कभी नहीं तोड़ता, टूट जाता है। टूटता नहीं सतीश, तोड़ दिया जाता है, जैसे कि तुमने तोड़ा है। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी नजरों में एक अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, तुम्हें धोखा दिया है। आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं मजबूर हूं, मैं अपनी मंजिल खो चुका हूं। मैं तो तुम्हें नहीं भूल सकता, लेकिन तुम कोशिश करना कि हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ। तुम ये क्यों नहीं कहते कि दौलत की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है? मजबूरी का झूठा सहारा लेकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो? ठीक है सतीश, तुमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। सतीश ने बेवफाई की कोई वजह तो बताई होगी। आप कैसे जानते हैं कि मैं सतीश से प्यार करती हूँ? मधु जी, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था जब आपके हाथ से सतीश का फोटो छूट गया था। वो तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मजबूर है। मीना क्या सतीश को पहले से जानती है? मीना सतीश को जानती है या नहीं, लेकिन मैं मीना को सतीश के बारे में सब कुछ बता दूंगी। क्या कह रही मधु? सच कह रही मीना, सतीश एक धोखेबाज है। उसने मुझे प्यार के सपने दिखाए और आज दौलत की खातिर तुमसे शादी कर रहे हैं। लेकिन तुम तो राजेश से प्यार करती हो। वो राजेश नहीं, अशोक है जो तुमसे प्यार करता है। लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और तुमने भी उन बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन वो यहाँ से भाग क्यों गया? उसने अपनी गरीबी को अपनी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। मैं सच कह रही हूँ मीना, वो आज भी तुमसे ही प्यार करता है और जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करता रहेगा। अगर ये बात सच है तो अशोक को कुछ मत बताना। कल भरी महफिल में मैं सबके सामने उसका हाथ थाम लूंगी। मुबारक हो, मेहंदी लगाने आई हूँ। मुबारक हो। किस बात की? कल मीना की शादी है। आपने मीना को सतीश के बारे में सब कुछ बता दिया? जी हाँ। फिर भी वो शादी के लिए तैयार है? ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। मीना की शादी मीना की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, शादी मैं नहीं होने दूंगा। मीना ने आपसे शादी करने का फैसला किया है। जी। कल भरी महफिल में मीना सबके सामने आपका हाथ थाम लेगी। मीना की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। Thank you.
शादी मुबारक हो मीना, और शादी के इस हसीन मौके पर मेरी तरफ से ये तोहफा है। ये वो फांसी का फंदा है जो तुमने बड़ी खूबसूरती से मेरे गले में डाल दिया। तुम मीना तो बन गई लेकिन अपनी आवाज नहीं बदल सकी। ये कौन है अशोक? अशोक जी हाँ, मैं राजेश नहीं, अशोक। तुम यहाँ क्यों आए? इसलिए कि आपकी बेटी की जिंदगी बचा सके। ये कौन सा नया नाटक जो आप आज तक नहीं समझ सके? और अगर दिलावर खान की चिट्ठी ये लड़की नहीं लेकर आती तो मैं भी नहीं समझ पाता था। सारे मेहमान यहाँ मीना को बधाई देने आए, बाप ने बेटी का कन्यादान किया है, लेकिन दुल्हन के इस हसीन रूप में ये मीना नहीं शालू है। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, अशोक हट जाओ मेरे रास्ते से वरना केदारनाथ पर गोली चला दूंगी। हेलो पुलिस। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है केदारनाथ। मनोहर लाल आज बड़ी जल्दी पहचान गए। मेरी बेटी कहाँ है जिसे तुम उड़ा के ले गए? तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे कब्जे में हैं। दोनों मेरी बेटियां कहाँ है? अब उनकी कीमत है 50 लाख रुपया, और वो रुपया लेकर तुम मेरे पास आओगे। लेकिन याद रखो, अगर तुमने पुलिस को रिपोर्ट करने की कोशिश की तो मीना और शालू दोनों की लाशें तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएंगी। मुझे कहां आना होगा? खंडर के पीछे मेरी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। माल लाए हो? चलो। बेटी, एक बार अपने बच्चे को पूछने मैं तुम्हारे पास गया था, और आज तुम अपनी बेटी को लेने मेरे पास आए हो। मीना, मीना बेटी, घबराना मैं आ गया। बोलो, इसमें 50 लाख, ये लो, मेरी मीना से छोड़ दो। केदारनाथ, अपनी दूसरी बेटी से नहीं मिलोगे? वो देखो। बरसों से इंतकाम की आग मेरे सीने में जल रही है केदारनाथ, आज वो ठंडी हो जाएगी। अब तुम और क्या चाहते हो? तुम्हारी बेटी के हाथों तुम्हारा खून, और मेरे हाथों तुम्हारी दोनों बेटियों का खून। बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं। शालू को मैंने ऐसे कमरे में बिठा दिया है जहां से वो देख सकती है लेकिन सुन नहीं सकती। इस रुमाल के गिरते ही वो गोली चलाएगी। मनोहर, एक बार मुझे अपनी बिछड़ी बेटी से मिल लेने दो। जब मैं अपने बेटे से नहीं मिल सकता तो तुम्हें तुम्हारी बेटी से कैसे मिलने दूंगा? मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे सकता हूं। मैं 5 तक गिनूंगा, तब तक सिर्फ तुम अपनी बेटी को देख सकते हो। मुझे मार, मेरी बेटियों को छोड़ दो। एक, ऐसे मत करो। दो, मुझे मार डालो, मेरी डैडी को छोड़ दो। तीन, नहीं मनोहर, रुक जा मनोहर। चार, मेरी बेटी कहां है जिसे तुम उड़ा के ले गए? तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे कब्जे में हैं। दोनों? अब उनकी कीमत है 50 लाख रुपया, और वो रुपया लेकर तुम मेरे पास आओगे। डैडी, 50 लाख रुपए देकर ही अपनी बेटी को खरीदने आए हैं जिसकी इन्होंने बचपन से कोई परवाह नहीं की। बेटी, शालू के लिए सारे रिश्ते टूट चुके हैं,
ना मैं तुम्हारी बेटी हूँ और ना मीना मेरी बहन। सीने से लगाने के लिए बरसों से बाप की बाहें तड़प रही। मरने वाले की हम आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, मौत के साए में टूटे हुए रिश्ते नहीं जुड़ते बहन। तुम्हारी आंख से बहते हुए आंसू, तुम्हारे माथे पर मौत का पसीना मैं जरूर पहुंच देती अगर मेरी जिंदगी मौत की गोद में न पली होती। तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए मुझसे गले लगकर तुम अपने आंसू पहुंच सकती हो। इस पिस्तौल की गोली पर मरने वाले का नाम लिखा है। गोली अभी और इसी वक्त चलेगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मरने वाले का नाम तुम्हारा नहीं, मनोहर का है। चलो। कहिए, तुमने तो मेरे बाप को मेरे हाथ से मरवा ही डाला था। ये तुम्हारा बाप जरूर है, लेकिन मेरा दुश्मन है। दुश्मनी की खातिर तुमने मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया, वो प्यार मुझसे छीन लिया जिसके लिए मैं बरसों से तड़प रही थी। मनोहर, तुमने एक बेटी से उसका बाप छीन लिया, एक बहन से उसकी बहन छीन ली, आज मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हें छीन ली। मुझे मालूम था शालू, जब खून खून को पहचानेगा तो तूफान का रुख बदल जाएगा, इसलिए तुम्हारी पिस्तौल में मैंने नकली गोलियां भर दी थी। असली गोलियां इस पिस्तौल में है मनोहर। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, जो समाधि तुम दूसरों के लिए यहां बनाने वाले थे, वही समाधि आज मैं तुम्हारे लिए यहां बना दूंगा। जान ले लूंगा मनोहर। दाएं और बाएं देख के बात करो। दाएं और बाएं से तो बच गए, लेकिन अपने सर पे महिला की मौत से नहीं बच सके। अपने आदमियों से कहो कि सतीश को छोड़ दे। सतीश को छोड़ दो। मुझे अफसोस है शालू, तुझे जिंदगी भर पाला और आज इन्हीं हाथों से खत्म ही कर दूंगा। मनोहर, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, इस एहसान के बदले इन लोगों को छोड़ दो। तुमने साथ दिया नहीं बल्कि साथ छोड़ दिया शालू। वो सामने तुम्हारा बाप, जो ये समझ रहा है कि जिंदगी की सांस ले रहा है, और उस चैम्बर की जहरीली गैस उसे थोड़ी देर में खत्म कर देगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी और मौत में फासला बहुत कम है शालू, बटन दबते ही मौत का तख्ता तुम दोनों को जिंदगी से आजाद कर देगा।
रुक जाओ अशोक, रुक जाओ, नहीं तो मैं मीना को गोली मार दूंगा। अच्छा हुआ जो तुम बिन बुलाए मौत के मुंह में चले आए। आज आज मैं सारे नीचे मिटा देने से खून नहीं मेरा पीछा ना कर सके। तुम दौलत की लालच में अंधे हो चुके मनोहर। दौलत की लालच में नहीं, बदले की आग में। बदले की आग? हाँ, इसी केदारनाथ की वजह से मेरा खानदान बर्बाद हो गया, मेरी बीवी मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। तुम क्या समझते हो हम सबको मार देने से तुम्हारी बीवी तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा? वो नहीं मिलेंगे, लेकिन बदले की आग ठंडी हो जाएगी। बदले की आग ठंडी नहीं होगी मनोहर, बल्कि भड़क उठेगी। तुम्हें कभी तुम्हारा बेटा मिल गया तो तुम्हारे कारनामे सुनकर तुम्हारे मुंह पर थूक देगा, और अगर तुम्हें तुम्हारी कभी बीवी मिल गई तो तुम्हारे माथे पर खून के निशान देकर तुमसे नफरत से मुंह मोड़ लेगी। जो बरसों नहीं मिला आप क्या मिलेगा? आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बाजी किसी वक्त भी पलट सकती है मनोहर। पिस्तौल मेरे हाथ में अशोक, इससे पहले कि बाजी पलट जाए मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। नहीं, नहीं, मत मारो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को। लक्ष्मी, मैं बदौर हूं लक्ष्मी, तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हारी बहुत तलाश की लक्ष्मी। क्या अशोक हमारा बेटा है? मेरे बेटे अशोक, कितना बदनसीब हूं मैं। तुझे मिलने के लिए मैं बरसों तड़पता रहा, और आज इन हाथों से तुझे मेरे बहुत हो चुका यह नाटक मनोहर। एक बाप को उसका बेटा, एक बहन को उसकी बहन, और एक पति को उसकी पत्नी मिल गई। इस खूबसूरत मिलन के मौके पर ये 50 लाख का बैग मेरे हवाले कर दो शालो। नहीं मुनीम, ये केदारनाथ की अमानत है। बैग नहीं दोगे तो सबको खत्म कर दूंगा। पिताजी, आज तो खामोश था, लेकिन आप इतना गिर सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था। दौलत के लिए मैं तेरी भी परवाह नहीं करूंगा। मनोहर, बैग मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे बेटे को गोली मार दूंगा। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है मुनीम। इस वक्त तो तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता। अल्लाह की बात तो बाद में करना मुनीम, पहले खुदा के इस बंदे से तो निपट ले। चलाकर बंदूक की गोली बर्बाद ना कर मुनीम, मैं मौत बनकर तूफान की तरह तेरे पास आ रहा हूं। यह अली बने। जब तक आखिरी सांस बाकी है मेरे भाई पर आंच नहीं आ सकती। रुक क्यों गया मुनीम? चला गोली, गोली चला, चला गोली। इसकी पिस्तौल की गोलियां खत्म हो गई अशोक, लेकिन दिलावर खान में अब भी सांस बाकी है।
रिश्ते जुड़ गए। मुझे चमन समझ गया। दिलावर खान के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। मेरे भाई लगता है सलीम ऊपर वाले सब याद कर गए। सलीम ला इल्लाह इल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। सलीम तुमने मेरे फरिश्ते जैसे भाई को मार डाला। दौलत की लालच में तू इंसानियत समीर सब खो बैठा। आज मैं तुझे उसकी सजा अपने हाथों से दूंगा। रुक जाइए मिस्टर अशोक। बेटे छोड़ दीजिए मुझे, मैं इस कमीने का खून कर डालूंगा। छोड़ दीजिए। नहीं बेटे, मिस्टर अशोक कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। कानून इसके गुनाहों की सजा इसको खुद देगा। ले जाओ इसे।